Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend, I'm Aman Ansari, aap sabhi logon ka Shahrukh Khan ke ek aur episode mein tahe dil se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? So after the Pathan and the Jawan tsunami, let's begin the donkey dominance. Well friends, donkey ka jo mania hai, donkey ka jo dominance hai, wo ab se almost kuch hi dino mein jo hai, wo shuru ho jayega. क्योंकि गाइस 2 नवंबर को शाहरुख खान के जन्मदिन के अवसर पर इनके जो मेकर्स है वो डंकी की पहली ग्लिम्स लाने वाली है. देख गाइस, जैसे पठान थी, जवान थी, वैसे ही डंकी इज अ बिग टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट. बहुत ही रेयर चीजें हैं इस फिल्म से जो बाहर आई है, स्पेशली जो लुक्स है, जो सीन्स है, वो सारे के सारे इतने सेक्रेटिव रखे गए हैं कि अब जो मेन प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसकी जो पहली झलक है वो हमको देखने के लिए मिलेगी. सीन्स के नाम पर बस हमने राजू हिरानी और शाहरुख खान को उनके ऑफिस में बात करते हुए देखा है कि डंकी डुंकी, अच्छा ये पिक्चर है, एक्शन है, क्या है, वो सारी की सारी चीजें जो है बस उतना ही देखा है. सो गाइस, 2 नवंबर शाहरुख खान के जन्मदिन पर आपको डंकी का जो टीजर है वो देखने के लिए मिलेगा, नंबर वन. ये नंबर टू, डंकी के दो टीजर्स जो है अभी CBFC यानी के सेंसर बोर्ड ने सर्टिफाई किए हैं. टीजर नंबर वन हिंदी यू रेटिंग 58 सेकंड का है, समझ में आया. 30 अक्टूबर को यहाँ पर यानी कि आज ही इसका सेंसर सर्टिफिकेशन हुआ है. 58 सेकंड्स का ये टीजर है, नंबर वन. नंबर टू, दूसरा टीजर जो है वो यहाँ पर 1 मिनट 49 सेकंड्स का है. यस फ्रेंड्स, 1 मिनट 49 सेकंड का ये पूरा का पूरा यहाँ पर टीजर जो है यहाँ पर सेंसर हुआ है. यानी कि दो टीजर्स जो है सेंसर ने यहाँ पर सर्टिफिकेशन दिए हैं. अब इन दोनों टीजर में से कौन सा टीजर आपके सामने आता है ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है. मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आई मे बी रॉयली रॉन्ग, साउथ में ऐसा होता है तलपति विजय की फिल्मों के साथ कि 12 बजे जैसे बर्थडे कहीं ना शुरुआत होती है वहां पर एक छोटा सा पोस्टर एंड ग्लिम्स आता है, एंड दूसरा जो मेन पोस्टर है एंड ग्लिम्स है वो शाम को 5 या 5:30 बजे के आसपास आता है. तो शायद ऐसा हो या फिर वो क्या होगा, ये 2 तारीख के पास चलेगा. शाहरुख खान ने स्पेशल इवेंट भी रखा है जहां पर वो अपना बर्थडे जो है स्पेशली फैंस के साथ सेलिब्रेट करेंगे. अब देखने लायक ये रहेगा कि क्या वो एक ऑडिटोरियम में होगा, क्या होगा. लेकिन याद कीजिए पिछला 2 नवंबर एंड आज का 2 नवंबर, पिछला 2 नवंबर कुछ भी नहीं था, उम्मीद थी, एक दिल में था कि यूनो कि सारी की सारी फिल्में जो आएगी वो रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, लेकिन इस कदर तोड़ेगी एंड इस बाप लेवल पे रिकॉर्ड तोड़ेगी कि आने वाली सदियां बीत जाएगी फिल्मों को उस लेवल को मैच करने के लिए, ये किसी ने सोचा नहीं होगा. तो 2 नवंबर इस बार का एक बहुत ही स्पेशल दिन होगा, स्पेशली उन शाहरुख खान के फैंस के लिए जिसने अपने स्टार्स को उनके खराब वक्त में भी सपोर्ट किया है. वे गाइस, अच्छे वक्त में तो सारे के सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन असली फैन वो होता है जो अपने स्टार के साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं बल्कि खराब वक्त में भी खड़ा हो. तो अब ये अच्छा वक्त है, 2 नवंबर इस बार ये सेलिब्रेशंस सारे का सारा शाहरुख खान के फैंस के नाम है. जितनी जिद्दोजहद से, जितनी शिद्दत से उन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शोज देखा, फैन सेलिब्रेशंस किए, अपने स्टार को सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं बल्कि आइडल वर्शिप किया, ये 2 नवंबर आप सभी लोगों के नाम है. तो एंजॉय कीजिए अपने स्टार के जन्मदिन को, फील प्राउड यू आर एन SRKM गाइस, ही इज जस्ट रूलिंग द वर्ल्ड ऑल ओवर. ये 2 तारीख को एक टीजर के बाद एक्साइटमेंट जो है एक अलग लेवल पर चली जाएगी. तो ये रहा गाइस टीजर की अपडेट. अब बात करते हैं कि बड़े पर्दे पर आप ये टीजर कब देखोगे. देखो गाइस, कहने के लिए तो ये 12 तारीख को जब से Tiger 3 जो सिनेमा घरों में आएगी तब से बड़े पर्दे पर जो है वो जगमगाएगा. सो 2 तारीख को शाहरुख खान के जन्मदिन के अवसर पर ये टीजर आएगा. 2 टीजर सर्टिफाइड हुए है. कौन सा वाला शाहरुख खान रिलीज करते हैं वो मुझे पता नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1-12 बजे आए, शाम को 5 बजे दूसरा वाला टीजर आए. शाहरुख खान एक स्पेशल सेलिब्रेशन रखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के साथ, एंड उसके बाद ये टीजर जो है वो Tiger 3 के साथ अटैच्ड होगा.